फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि ये जो मूवी है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए। अगर आप मेरी तरह ये गलती करके ये मूवी देखने जा रहे हो कि इसमें एनिमे वाली फीलिंग आने वाली है, इसमें ड्रामा एडवेंचर कॉमेडी या फिर एक्शन देखने को मिलने वाला है, तो यार आप बहुत ज़्यादा गलत सोच रहे हो। कुछ ऐसा ही एक्सपेक्ट मैंने किया था जब इस मूवी को मैंने देखा नहीं था। और सच में मैं अब ये सोच रहा हूँ मैंने ये मूवी देखी क्यों। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाला हूँ ओवर द मून एनिमेटेड मूवी के बारे में। ये नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ की गई है और ये टोटल 1 घंटे 40 मिनट की मूवी है। और अगर आप इसका लास्ट का जो जिसमें ये एंडिंग होती है अगर वो हटा दो तो ये 1 घंटे 25 मिनट में खत्म हो जाती है। इस मूवी के जोनर में आता है म्यूजिकल, यानी इसमें जो बातें हैं वो ज़्यादातर गाकर बताई जाती हैं, यानी म्यूजिक के थ्रू बताई जाती हैं। और सच में कहूँ तो मुझे इस टाइप की मूवी को समझने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, मुझे ये मूवी ज़्यादा पसंद नहीं आती। हाँ, पसंद आ भी सकती है और इसको अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया, बट ये बात इसमें ऐसा कुछ भी नहीं लगी मुझे, क्योंकि इसके अंदर यार रिप्रेजेंटेशन म्यूजिक के थ्रू करना यार थोड़ी सी बोरियत तो मुझे फील होने लगी थी। और साथ ही साथ इसमें जो कॉमेडी का एंगल डाला गया है तो मैं ये कहूंगा कि यार इस पे शायद ही बच्चे हंसे, एडल्ट तो दूर की बात रहेगी कि इस पे हंसेंगे। तो अब इस मूवी की कहानी के बारे में बात कर लेते हैं। एक छोटी बच्ची है जिसका नाम है फीफी, उसकी माँ जो है उसको बचपन में कहानी सुनाया करती थी चांद की, कि एक चांद पर जो है वो चांगा नाम की एक चाइनीज गोड रहती है, वो अकेली रहती है वहां पर। और अपनी माँ के गुजरने के बाद भी इस लड़की के मन में ये बात बैठ चुकी थी कि हाँ भाई, चांद के ऊपर एक चांगा नाम की एक चाइनीज गोड रहती है। तो वो अपने जो उसके पिता है वो काफी टाइम से अकेले रह रहे थे, तो उसने क्या किया कि हाँ वो एक शादी करने की सोचते हैं। और ये बात इस लड़की को पसंद नहीं आती और ये चाहती है कि वो चांगा के पास जाए, चांद पर खुद जाने की कोशिश करती है और वहां पर चांगा को ढूंढ कर ये बताना चाहती है कि वो उसके पिता से मिलकर उसकी शादी रुकवा दे। और ये ट्राई करती है, चांद पर जाने की कोशिश करती है और चांगा जो इसको चांद पर बुला लेती है। ऑब्वियसली इसमें जो है वो चांगा दिखाई गई क्योंकि एक फैंटेसी मूवी जो है। बट अब चांगा जब इसको बुला लेती है चांद पर, चांगा की खुद की अपनी प्रॉब्लम चल रही होती है कि वो कुछ और अपनी इंटरनल इशू को लेके वो परेशान है, तो वो इससे हेल्प मांगती है, इस लड़की से हेल्प मांगती है और उसको कहती है अगर तू मेरी हेल्प करेगी तो वो उसके बदले में चांगा जो उसकी हेल्प कर देगी। अब देखो यार, चांगा जो नाम है शायद मैं सही से प्रोनाउंसिएट कर पा रहा हूँ या नहीं मुझे नहीं पता, आप लोग देख लेना। हाँ, इसके लास्ट में थोड़ा बहुत क्या 1 या 2 मिनट का मैं कह सकता हूँ इंटरेस्टिंग पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। 1 या 2 मिनट से बिल्कुल भी फालतू इसमें इंटरेस्टिंग तो कुछ है ही नहीं। अब कैसे फीफी अपनी सौतेली माँ को एक्सेप्ट करती है और साथ ही साथ अपने सौतेले भाई को एक्सेप्ट करती है, और कैसे ये चांगा की हेल्प करती है और चांगा इसकी हेल्प करती है, इन सब चीजों के लिए तो देखो आप लोगों को ये मूवी देखनी पड़ेगी। बट एक बात मैं कहना चाहूंगा, देखो अगर ना भी देखोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बट इस मूवी के अंदर जो कलर यूज किए गए वो कमाल के हैं, इतने ज्यादा ब्राइट हैं, हमें देखकर वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। देखो इस मूवी को देखकर तो यही लगता है कि ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो 5-6 साल के जो बच्चे होते हैं उनके ध्यान में रखकर ये मूवी बनाई गई है। बट मैं ये सोच रहा हूँ कि यार नेटफ्लिक्स पर ये मूवी जो डाली गई है वो बच्चे क्या नेटफ्लिक्स यूज करते हैं? ये मूवी दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेगी, हिंदी प्लस इंग्लिश में। ऑब्वियसली मैंने इसको हिंदी में ही देखा, क्या इंग्लिश में वैसे ही बहुत सारी मूवीज में देखता आ रहा था, मैं सोचा यार इसको हिंदी में देख लेते हैं। और हिंदी की डबिंग की बात करूं तो हाँ, एक डिसेंट डबिंग आप लोगों को देखने को मिल जाएगी, देखने को नहीं मतलब सुनने को मिल जाएगी इसमें। और अगर मैं इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन आप लोगों को निकाल कर दूं तो यही कहूंगा कि यार मूवी इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है कि इसके ऊपर 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट छोड़ो यार, 1 घंटा 20 मिनट जो इसका आउटरो अगर आप हटा दो, अगर वो हटाकर आपको 1 घंटे 20 मिनट इस मूवी को देना, यार मुझे कहीं पर भी जस्टिफाई नहीं लगता। क्योंकि ऑब्वियसली छोटे छोटे बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है, तो एडल्ट के लिए तो बिल्कुल भी ये किसी भी एंगल से आप लोगों को ये पसंद नहीं आने वाली है। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूंगा 3 out of 10 star। 3 वो भी इसलिए क्योंकि इसके कलर इंग्रेडिएंट मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए थे। और अगर आप लोगों ने मूवी देख रखी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बता देना कि आप लोगों को कैसी लगी। अगर नहीं देखी तो मैं यही कहूंगा यार कोई जरूरत भी नहीं है इस मूवी को देखने की, आप लोग इससे अच्छी अच्छी एनिमे मूवी देख सकते हो, अपना टाइम वहां लगा सकते हो। 1 घंटा 20 मिनट यार इसके ऊपर टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।